टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का मेरा मतलब है सारी मतलब जनगरे टीयर थ्री लेवल 70 से लेके टीयर 4 तक का कॉस्ट, ध्यान से सुनो। एंड वेलकम बैक, आपका स्वागत है मिस्टेक मोइस में। तो फाइनली जनगरे का सेकंड पोटेंशियल कंप्लीट हो चुका है, पूरे 1 वीक लगे, यानी 7 मरतबा मुझे खेलना पड़ा वर्ल्ड बॉस लेजेंड जनगरे के साथ। एंड फाइनली इसको टीयर 4 करूँगा। कितना टोटल कॉस्ट आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा, मतलब एकदम शो करा दूँगा स्क्रीन पे कितना। अभी मटेरियल मेरे पास देखो कितने हैं, दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे टीयर 4 मटेरियल्स की बात आती है। टीयर 4 मटेरियल्स है भाई, है कार्बन रेडियम 10,298 है, 10,2098 कार्बन रेडियम, 8,565 सोलर फेंटाइन और लाइफ सील्ड। तो ये तीनों कुछ है। और भाई टाइटन बुक कौन सी लगेगी, ब्लास्ट टाइप की लगेगी यूनिवर्सल, चलो देखते हैं। ओके तो सेकंड पोटेंशियल इसका कंप्लीट करते हैं, पहले अनलॉक कर लेते हैं। 7 दिन भाई सबसे ज़्यादा लिए, सबसे ज़्यादा टाइम अब तक का, सबसे ज़्यादा टाइम 7 दिन। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 3 बार सेकंड पोटेंशियल कंप्लीट। अब इसको करते हैं लेवल 80, एंड लेवल 80 का कॉस्ट दिखाते जाता हूँ। और स्क्रीन पे मैं बाद में शो कर दूँ जब एकदम लेवल 80 हो जाएगी तब। तो यहाँ पे कुछ मैं 10% कर लेता हूँ, वरना मेरी मतलब पूरा 100% सॉरी पूरा 100% पे सेट करते हैं। इसी पे ले लिए कुछ, ये यहाँ पे आप शो हो रहे भाई, देखते जाओ मैं बोलूँगा नहीं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और लाइफ सेल तो मैं यहाँ पे लाइफ सेल यूज़ नहीं करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ ये। ओके ठीक है। एंड लेवल अप, अब लेवल अप करने के लिए यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है। पहला है बायोमेट्रिक्स, जो कि बायोमेट्रिक्स बहुत ज़्यादा ले गई है लेवल 80 होने तक, अभी लेवल 70 का है। ओके लेवल 70 में यहाँ पे मैं यूज़ रिकमेंड करूँगा भाई फीनिक्स फेंटर यूज़ करूँ। क्यों, बायोमेट्रिक्स आप यूज़ करोगे ना, पहली बात सुन लो, लेवल 80 करने के टाइम जब भी बायोमेट्रिक्स यूज़ करोगे तो आपको बायोमेट्रिक्स बहुत ज़्यादा लगेगी। और इतने बायोमेट्रिक्स में आप भाई किसी और कैरेक्टर को लेवल 70 कर सकते हो। तो इसलिए मेरी एक रिकमेंड यही करने वाला हूँ कि मटेरियल जो है भाई बूस्ट है इसके अंदर, तो प्लीज़ मटेरियल लगाना, मैं वही करूँगा। मस्त प्लान है। तो यहाँ पे फिनिक्स फेंटन को ले रहे 624, इसलिए मैंने फिनिक्स फेंटन देखो भाई पूरा का पूरा मैक्स कर लिया था समझे। एंड 624 एंड यूज 72 लेवल, 72 लेवल कंप्लीट हो चुका है, फटाफट करते हैं। और ये है TCP कुछ 241, 341 EOD और लाइफ सील्ड। सो मैं फिर से एक काम करता हूँ, इसको 50 ले रहा हूँ। ओके और इसका देखो, इसका कॉस्ट आपके सामने ही है। ओके कितना कितना है, एड्स को मास्क कर लेता हूँ, काम करता हूँ ठीक है, क्योंकि मुझे एडजस्ट करना है। और यह है हो गया, इसका इनहेंस हो गया, अब इसको लेवल 74 करना है। एंड देखो भाई कितनी ले रही, और यहाँ पे बायोमेट्रिक्स में भाई शायद हो भी नहीं पाता, देखे कितने बायोमेट्रिक्स में फिर भी हो नहीं पाता, बायोमेट्रिक्स बहुत डेयर, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा फिनिक्स फेंटन ही यूज़ करना। और ये ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स है जिसको आपको मटेरियल एक जगह बायोमेट्रिक्स आ रही है तो मैं बोलूँगा मटेरियल यूज़ करो, बायोमेट्रिक्स आप सेव करो, किसी अदर कैरेक्टर को लेवल 70 करने के काम आएंगे, ये एडवांस बोनस टिप है तो मान लो। ओके एंड ये कुछ EOD लेगी इसका कुछ कितना, अच्छा 10 पोटेंशियल लेवल करने के लिए इनहेंस लेवल मतलब जो बोलो 511, TCP 362 और ये कितना लेगा भाई 150 में एक लाइफ सील्ड कम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ भाई सेम टू सेम दोनों को एक एक लेता हूँ। ओके क्योंकि मुझे ना अभी एक चीज़ आखिरी में आपको बताना है कि मेरा दूसरा इसके बाद कौन सा टीयर 4 होने वाला है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ओके एंड इसको मैं सेट करता हूँ मैक्स, ठीक है मैक्स कर लेता हूँ एंड यूज़। और बाद में मैं कितना गोल्ड लगाए क्या लगाए सब मैं आपको बता दूंगा लेवल 80 का। एंड फाइनली इसको करते हैं लेवल, ओके एंड ये कुछ लेगा 790 फोन अब फिनिक्स फेंटन ले रहे हैं 76 लेवल होने में, 76 लेवल एंड यूज़ हो गया। अब लेवल 80 करना है यार, रुको सब्र करो। ए 1100 भाई बहुत ज़्यादा, 1021 ले रही है EOD, 736 TCP बहुत ज़्यादा, 296 लाइफ सील्ड। तो मैं यहाँ पे तीनों को मिला के थोड़ा देता रहूँ, ओके थोड़ा थोड़ा दोनों को तीनों को मिला के देता हूँ, इसको 100 कर देता हूँ, काम करता हूँ ठीक है। एंड इसको भी थोड़ा ले, मतलब देखो EOD और TCP अगर ज़्यादा दे दूँगा तो मैं दूसरे कैरेक्टर्स को जो बिल्ड करना है भाई उसको क्या दूँगा मैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके तेरे पास कोई और रास्ता है, एडजस्टमेंट कर थोड़ा कर लेता हूँ एंड मैक्स, बस भाई थोड़ा ज़्यादा लेने लगा ना भाई, नेटिव कैरेक्टर है मतलब समझ, मेरा फर्स्ट नेटिव टीयर 4 होने वाली है
एंड 888 मतलब भाई 8888 फिनिक्स सेंटेन हो गए। और चलो इतनी खुशी हो रही है भाई एक टीयर फोर कैरेक्टर करो चेंज करें भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है ओके बहुत ज़्यादा 971 नो यहाँ पे मैं पूरा लाइफ शील्ड यूज़ कर रहा हूँ ठीक है पूरे का पूरे लाइफ शील्ड एंड गोल्ड यूज एंड हो चुका है पूरा लेवल 80 पोटेंशियल ओके एंड अप करते हैं लेवल अप एंड सेम टू सेम लेवल अप करने के लिए लेवल 80 करना है तो भाई 999 मतलब 999 फिनिक्स फेंटन एंड यूज लेवल 80 कम्प्लीट। तो रुको जरा सबर करो कंप्लीट हो गई लेवल 80 अब गियर अपडेट करते हैं और लेवल 80 का कॉस्ट दिखा देता हूँ लेवल तो स्टार्ट करते हैं ईओडी से ईओडी लगी है 868 टीसीपी 594 लाइफ शील्ड 493 और फिनिक्स सेंटेंस जो कि मैंने लेवल अप करने के लिए यूज़ की है वो लगी है 4003 एंड टोटल गोल्ड 15 मिलियन गोल्ड। तो ये है कुछ टोटल कॉस्ट लेवल 80 का ओके अब गेयर अपडेट करना है गेयर का अलग कॉस्ट रहेगा तो मैं सारा का सारा मिला के एकदम वीडियो के आखिर में बता दूंगा कि टोटल कॉस्ट क्या है गेयर की पानी भाई गेयर के अंदर देखो किसी का थोड़ा ज़्यादा लग सकता है किसी का थोड़ा कम लग सकता है मटेरियल की बात करो यार किसी के मटेरियल थोड़े से बस 19-20 का फ़र्क रहेगा बस 19-20 हो गए तो यहाँ पे कुछ CCF कार्बोनेडियम फिनिक्स सॉरी भाई ये क्या बोलते हैं सोल ऑफ द फेंटेन भाई नाम थोड़ा भूल गया हूँ कितने दिन से मैं किसी का टीयर फोर किया नहीं थॉर लास्ट टीयर फोर था अगर प्लेलिस्ट नहीं देखे तो भाई कैरेक्टर लेवल अप करके कैरेक्टर बिल्ड करके एक प्लेलिस्ट है लिंक है पिन कमेंट में जाके देख सकते हो हर एक कैरेक्टर का मैंने जब भी लेवल अप किया है आपको बता दिया था तो जाके वो वीडियो देख लेना। फर्स्ट गेस से स्टार्ट करते हैं एंड CCF कम नहीं पड़नी चाहिए भाई बस यूज भाई 30 लेवल गेट करने 30 लेवल भाई 9 सही चल रहे 3 एकदम मस्त मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। इसका 17 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 18 भाई थोड़ा कम हो जाए शांति ना हो चल जाएगा मस्त बस भाई ऐसे ही चलते रहना एकदम अच्छे से हो जाए और मैं दूसरा कैरेक्टर भी टीयर 4 कर दूँ 3 मचाएगा मचिया भाई मचिया दिल गार्डन हो रहा बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे ओ चलो थोड़ा सा चलते हैं भाई थोड़े ज़्यादा हो गए अब तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया बहुत ज़्यादा हो गया भाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि नहीं भाई 10 भाई थोड़ा नीचे आ जाए 10 के 8 चल जाएगा 8 पे रहते 19 भाई डबल क्या कर दिया तू 16 भाई नीचे हो थोड़ा सा भाई लास्ट गेयर पता है लास्ट गेयर भाई हो जा एंड 7 चलेगा चलते रहे। देखो यार ये एक्स जितना भी ज़्यादा आते हैं ना भाई मटेरियल ज़्यादा लगते हैं समझ गए मटेरियल ज़्यादा लगेंगे यहाँ पे जितने मटेरियल उसको मल्टीप्लाई कर देना इससे जो नीचे आ रहे हैं भाई चलो ठीक है हो गया एंड फाइनली हो चुका है गेयर अपडेट एंड गेयर अपडेट करने के लिए मुझे जितने भी CCF कार्बोनेडियम और फिनिक्स फेंटन भी क्या बोलते उसको सोल ऑफ द फेंटर को जैसे वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा और गोल्ड कितने लगे वो सब तीन चार चीज़ें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है उतने लगे हैं मुझे। और इससे अगर आप करते हो ये नेटिव कैरेक्टर याद रखना जनग्रह वन सेकंड में बोल रहा हूँ जनग्रह और इसको मुझे इतने लगे हैं गियर अपडेट करने के लिए चारों गियर अपडेट करने के लिए इतने मटेरियल लगे हैं और आपके थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं थोड़े कम लग सकते हैं 19-20 ही फ़र्क होगा बस एंड चलियो इसके हिसाब से अच्छा इसकी स्किल अपडेट करना है ओके इसकी स्किल अपडेट करने के लिए भाई ठीक है ओ भाई 310 लाइफ शील्ड लगेगी और गोल्ड देख लो भाई गोल्ड बहुत ज़्यादा लेगा और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा लेगी तो चलो पाँच है ना पाँच स्किल है ना हाँ तो फटाफट करते हैं लेवल ओके 10 लेवल करना है हो गया अब देख लो स्किल अपडेट करने के लिए स्किल लेवल अप करने के लिए स्किन पे देख लो और कितने मुझे लाइफ शील्ड लगे स्किल लेवल 10 करने के लिए ओके हो गया पूरा पता चल गया गेयर अपडेट का एंड स्किल का भी आपके सामने है। अब चलिए इसका एडवांसमेंट मटेरियल भी देखते भाई फाइनली हो गया यहाँ पे ब्लास्ट टाइप की लेगी तो मैं सॉरी टाइटन बुक बोलूँगा ना बुक ऑफ शांति ब्लास्ट टाइप की यस बुक ऑफ शांति मैं स्टार्टिंग में ऐसे टाइटन बुक बोलूँगा स्लैम सॉरी लेकिन बुक ऑफ शांति जो है वो ब्लास्ट टाइप की लेगी
लाइफ शील्ड 1400 लाइफ शील्ड, ठीक है, कार्बोनेडियम 1200 जो कि, और फिनिक्स नहीं सॉरी मैं भाई इसको फिनिक्स फेंटेन क्यों बोल रहा हूँ, सोल ऑफ द फेंटेन ओके, ये कुछ लग रहा है 2200 भाई, बहुत ज़्यादा है ओके, बहुत ज़्यादा है। बोलो ना नेटिव फर्स्ट मेरा नेटिव कैरेक्टर है और गोल्ड आपके सामने 10 मिलियन गोल्ड। एंड फाइनली करते हैं और हो चुकी है मेरी फर्स्ट नेटिव कैरेक्टर टीयर 4 जो कि मुझे टाइम बटन में भाई मजाक करते ही पसंद है ओके। एंड ठीक है स्क्रीन शॉट भी ले लिए, हो चुकी है भाई हो चुकी है फाइनली, जिसका मुझे था इंतज़ार फाइनली हो चुकी है टीयर 4 इस। तो भाई फाइनली ये जो है ना भाई बहुत कॉस्टली कैरेक्टर है, एंड दूसरी बात तो ये एक्सपेंसिव तो है, और दूसरी चीज़ ये जो चीज़ है मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टोटल कॉस्ट का मेरा मतलब है सारी मतलब जन के टीयर 3 लेवल 70 से लेके टीयर 4 तक का कॉस्ट। ध्यान से सुनो कार्बोरेडियम कितने लगे, कार्बोरेडियम हमको गेट अपडेट करने के टाइम काम आए थे एंड एडवांसमेंट में जब किए थे वहाँ पे काम आए थे, टोटल कार्बोरेडियम ये रहे, और सोल ऑफ द फेंटेन जो हमको गेट अपडेट करने के टाइम काम आई थी एंड फिर काम आई थी एडवांसमेंट में, और कुछ भूल रहा हूँ तो लाइफ शील्ड देखो स्किल अपडेट करने के टाइम काम आई थी, 5 स्किल हमको 10 लेवल करना था ओके वहाँ काम आई, एंड फिर एडवांसमेंट में एंड लाइफ शील्ड मैंने कुछ यूज़ भी की थी कहाँ पे इनहेंस पोटेंशियल करने के टाइम पे, मतलब इनहेंस पोटेंशियल जो करते हैं उसके टाइम पे मैंने थोड़ी लाइफ शील्ड की थी, तो उसको भी मैं जोड़ के यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो टोटल लाइफ शील्ड मुझे कितने लगी है वो बता रहा हूँ ओके, और फिर लास्ट में कुछ बचता है तो गोल्ड है, हाँ गोल्ड देख लो यहाँ पे कितने टोटल गोल्ड भाई पूरे टीयर 3 लेवल 70 जेन ग्रे से लेके टीयर 4 जेन ग्रे तक के टोटल गोल्ड, टोटल मटेरियल आपको पूरा का पूरा मैं बता दिया भाई कितने ज़्यादा मुझे मटेरियल लगे, और आपको बताया भाई ये पूरा कॉस्टली कैरेक्टर है, एक्सपेंसिव मतलब इसको बोलो मतलब एकदम पावरफुल कैरेक्टर ये भी है ओके। तो यहाँ पे आपको पूरा कॉस्ट शो हो गए, समझ गए क्या क्या लगा, कुछ भूल रहा हूँ तो देखो CCF ना सिर्फ गेयर अपडेट करने के टाइम में काम आते, तो CCF को तो मैंने गेयर अपडेट जब किया था तो उसका अलग से बता दिया था ना CCF कितने लगे, तो वीडियो में पीछे जाओ जब मैं गेयर अपडेट कर रहा था जाके देख लो CCF। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब बात करें फिनिक्स फेंटेन तो देखो फिनिक्स फेंटेन सिर्फ लेवल अप करने के लिए यूज़ किया था, और याद है तो मैं बता देता हूँ 4300 सिर्फ लगे थे फिनिक्स फेंटेन, एंड उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा नहीं हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं कार्बोनेडियम सोल ऑफ द फेंटेन लाइफ शील्ड एंड गोल्ड ये जो चीज़ है वो दिखाया। और तो रुको जरा सबर करो, अब यहाँ बात आती है कि नेक्स्ट टीयर 4 मैं किसको करूँगा, जो कि मैं बहुत पहले बोल रहा था नेक्स्ट टीयर 4 मैं ऐसे कैरेक्टर को करूँगा जो कि आप सोचे नहीं होंगे। पहला तो है वुल्वरीन को मैं करने नहीं वाला, दूसरा है स्पाइडरमैन इसको भी नहीं करूँगा, हल्क को भी नहीं करूँगा, और थैनोस की बात ही मत पूछो, थैनोस को कली में PvE में काम आता है और इसको टीयर 4 करूँगा तो भाई जन गरे जितना लेवल का कॉस्ट लेगा, ये भी कॉस्टली कैरेक्टर है, मैं नहीं दिखाऊंगा। अब भाई PvE में किसको टीयर 4 करूँगा बताओ, कार्नेज को, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल, अब क्यों किस लिए कि जितने भी सवाल है ना उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हाँ इसके अंदर सिर्फ एक रीज़न मैं बता सकता हूँ, सिर्फ एक रीज़न, मेरा आर्टिफैक्ट मेरे पास है देखो, कार्नेज का आर्टिफैक्ट जो कि PvP में बहुत अच्छा काम आता है वो है मेरे पास, एंड कार्नेज का लेटेस्ट यूनिफॉर्म भी है, ये सबसे बड़ा रीज़न है। और पूरा डिटेल में वीडियो जानने तो प्लीज़ एक बार ना डिस्क्रिप्शन यस पिन कमेंट में तो मेरे प्लेलिस्ट का लिंक डाले ना जिसके अंदर मैंने सभी कैरेक्टर्स को रैंक अप किया वो बताया, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे नेक्स्ट टीयर 4 करके एक वीडियो का लिंक है जिसके अंदर मैं इसके बारे में बात करूँगा, कार्नेज को मैं क्यों कर रहा हूँ टीयर 4, किस लिए कर रहा हूँ, क्या वजह है सब उसके अंदर बताऊँगा। तो हो चुकी है जनरेट टीयर 4, एंड इसका जो पूरा भाई टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन करने के लिए फिर उसको वीडियो में एडिट करने के लिए भाई बहुत मेहनत एंड बहुत टाइम भी लगा है, तो प्लीज़ भाई इसके लिए तो भाई एक लाइक बनता है। मैं पूरा टोटल कॉस्ट भाई टोटल लेवल 70 से लेके टीयर 4 का टोटल कॉस्ट मैंने आपको बताया है ओके, आपको पता है, एंड इसके लिए तो एक लाइक बनता है। और आपको ऐसी वीडियोस आगे देखनी है और नोटिफिकेशन पहुँचनी चाहिए तो सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर दो, और वीडियो पसंद आई और आपको दोस्तों में शेयर करनी है तो भाई शेयर कर दो, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वन सेकेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना भाई प्लीज़, थैंक्स लव यू।